तो हम उठे सुबह 8 बजे को, मतलब हमेशा तो मैं 6 बजे उठता हूँ, आप सबको पता ही है कि हम जा रहे हैं एक बाइक राइड पर, अर्ली मॉर्निंग बाइक राइड जो आप कर सकते हो बागा बीच, कलंगूट बीच और इसके नियर बाई अंजुना बीच, वो एरिया है। उस एरिया में बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे रोड है जहाँ पर बाइक राइडिंग का मजा लेना चाहिए जब आप गोवा में हो। और ये हमें दिखाने वाले हैं अंकल, तो अंकल आ रहे हैं, अंकल आएंगे तो अंकल से हम ज़्यादा जानकारी लेंगे क्योंकि वो देखो ये आर प्रॉपर गोवन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा, तो उनको बहुत सारे ऐसे ऐसे हिडन रोड्स पता है, जैसे कि डियर जिंदी वाला रोड मूवी की वजह से फेमस हो चुका है, बट ऐसे अलग अलग बहुत सारे रोड्स है जो अंकल हमें बताने वाले आज। सो अंकल आज कहाँ जाना है हमें? हम लोग पर्रा मडारी जा रहे हैं। ओके, उधर तो पूरा लोग आते हैं फिल्मिंग करने के लिए, प्री वेड शूटिंग, और बहुत से लोग उधर मूवी के वजह से वो बहुत फेमस हो गया। यस, बहुत सारी मूवीज का शूटिंग हुआ है वहाँ पे। एंड लाइक ऐसे और एक रोड है ना, मतलब गोवा में बहुत सारे रोड्स हैं, वस्तोरा में रोड विद कॉम। ओके, तो वस्तोरा का रोड इससे अच्छा है लेकिन उधर लोग नहीं जाते, उधर लोग नहीं जाते। मंदिर है वो बहुत बड़े हैं, मतलब उनका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, मतलब जितना अपना एक कॉलोनी होता है ना पुणे मुंबई जैसे सिटी में, उतना बड़ा इनका एरिया होता है, या अपार्टमेंट का एरिया जो होता है उतना बड़ा इनका मंदिर होता है। एंड हर एक चर्च और टेंपल का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही ऑसम है। जैसे अब अपन ने देखा कि ये जो चर्च बस्तोरा से 1 किलोमीटर बस्तोरा से, ओके, चर्च है राइट, और ये पूरा विलेज है। ओके, तो इस विलेज का क्या नाम है? उकासाई। उकासाई, ओके। सो यहाँ से स्टार्ट होता है ये माडो रोड। सो ये रोड जो है वो एग्जैक्टली सेम है पर्रा रोड जैसे, यानी देखो यहाँ पे बाइक चलाने का कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, जैसे अंकल आंटी अभी चला रहे बाइक आगे, अपन पीछे से चला रहे, बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे मंदिर है सप्त पुरुष प्रसन्न। सो ये रोड बहुत जगह पर गया है, जैसे कि इस तरफ भी आप देख सकते हो, ऑन माय राइट वहाँ पे भी ये सेम माडो रोड है, सामने भी दिख रहा है, और राइट में बस्तोरा चर्च है। Village called Bastora in close to Mapsa city, one of the beautiful village in the Badis area. This is the Bastora church, that is a cemetery, this is a cross, and this is the Bastora panchayat. So ye uncle Mapsa se bas 2 km hai ga, ye Mapsa mein hi hai, matlab almost 1.5 km, and Parra road se ye kitna hoga raha hai? Parra road se 4 किलोमीटर। यहाँ पे कोई आते नहीं है, नहीं, 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 तो ये सिमेट्री है इस रोड पे, तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और मेन चीज़ ये रोड खाली होता है, मतलब यहाँ पे भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी, तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आके आराम से मस्त फोटोज क्लिक करके फिर जा सकते हो। एंड ये सिमेट्री है, या फिर हॉबी बोल देते हो आप कंटिन्यू रख रहे हो। एंड स्पेशल थैंक्स क्योंकि आप मेरे लिए भी हमेशा टाइम निकालते हो जब भी मैं आता हूँ गोवा में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड जैसे मेरे सारे दोस्तों को पता है, दे आर लाइक माई मॉम डैड एंड दे आर माई मॉम डैड। एंड आज आंटी भी है, तो आंटी कैसे लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। Let's head for the breakfast and we'll
यू पोस्ट दोस वीडियोस आल्सो. ओह दैट्स ग्रेट. ऑथेंटिक गोवन ब्रेकफास्ट. यस सो हम जा रहे हैं अभी ऑथेंटिक गोवन ब्रेकफास्ट करने. सो अंकल विल लीड, विल फॉलो. जैसा मैंने बताया था कि अंकल को इनर एंड आउटर रोड सारे रोड्स पता है, मतलब बीइंग लोकल गोवन तो उनको सारे रोड्स पता है अंदर के. तो अभी हम अंदर के रोड से घूमते घूमते जा रहे हैं ताकि हर एक ब्यूटीफुल रोड कवर हो जाए. और जैसे मैं अपन जा रहे हैं ना, साइड में देख रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे घर है, मतलब पुराने घर है पर उनको कलर इतना प्यारा दिया जाता है. तो गोवा में एक एरिया है फोंतेनास जहाँ पे बहुत कलरफुल बिल्डिंग्स है, जिसका ब्लॉग हमने ऑलरेडी बना चुके हैं. बट गोवा के हर एक एरिया में बहुत खूबसूरत घर है. ये देखिए यार कितना प्यारा और लाविश घर है ये. This is a cafe tato at Bastora and we are having typical Goan breakfast. Okay. This is katreta pav. Katreta pav. Okay. This is poi, Goan poi. This is velvet bread. Okay. This is kalwate sukke. This is typical Goan beef tea. This is salad and potato bhaji. Okay. This is egg chops. Chicken chops. Okay. So this is the breakfast which you have in Goa. Authentic. Okay. So ये same breakfast घर पे भी बनता है sir? घर पे खाली वो vegetable भाजी और bread बनता है. बाकी ये चीजें मतलब जो local Goans prefer करते हैं. This is a Wadam village. It is about 3 kilometers from Mapsa, 1.5 kilometers from Bastora, and about 4 to 5 kilometers from Parramadali. Yeah. Okay. It's a beautiful village, you can see. Yeah, actually the houses here are very beautiful. सो लोकल गोवन रोड्स देख लिए जो कि बहुत ब्यूटीफुल है. उसके बाद हम आए हैं आपके फेवरेट वाले रोड पे जहाँ पे आप आते हो हमेशा, एंड यहाँ पे एंटिक शॉप्स है. तो पुराने गोवन एंटिक्स है यहाँ पे, तो आप आते हो तो ये आप ले सकते हो. जितना मुझे पता है ये फैनी कलेक्शन का है. डियर जिंदगी वाला रोड स्टार्ट होता है यहाँ से. सो ये रोड एज़ कम्पेयर टू द अदर रोड बहुत छोटा है. सो ये घर जो है ये यूज़ हुआ था मलंग मूवी में 299. ये परामाडो रोड जो है उसके एग्जैक्टली सामने है ये. और आप देख सकते हो यहाँ पे ये यूज़ हुआ था वो जो बर्थडे सेलिब्रेट करता है वो इस घर में सेलिब्रेट करता है. यहाँ से जंप करके अंदर जाता है. सो ये एक प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो जो बहुत कम लोगों को पता है. एंड थैंक्स अगेन टू प्राप्ति क्योंकि इसने बताया मुझे, क्योंकि तू आई थी तब शूटिंग चालू थी ना यहाँ पे तभी शायद से. और डियर जिंदगी के टाइम पे तब तो मेरा ब्लॉक किया था रोड दोनों साइड, मैं थी इधर. अच्छा पूरा ब्लॉक था. ये मडानी रोड है स्पेशल डियर जिंदगी रोड राइट. और ये पर्रा चर्च है बिल्ट इन 1649. ओके सो इट्स क्वाइट नियर बट बहुत कम लोगों को पता है ये चर्च. एंड काफ़ी ब्यूटीफुल चर्च है देख सकते हो. तो ये देखो यहाँ पे जैसे बताया था बहुत भीड़ होती है. अभी देखो जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है भीड़ बढ़ते जा रही है. तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद पूरा पैक हो जाएगा और लोगों के लिए लाइक आने जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इतना पैक हो जाता है. और फोटो तो बिल्कुल अच्छी नहीं आती, फिर जैसे लोग बढ़ जाते हैं क्या होता है ना डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्लियर फोटो नहीं आ पाती.
सो अभी हम जा रहे हैं हमारे लास्ट लोकेशन पे, जो कि पर्रा रोड से काफ़ी नज़दीक है, और इस रोड से जाना होता है। इस सारे लोकेशन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस प्लेसेस की, ताकि आपको ये ढूंढने में काफ़ी आसानी हो और आप एक्सप्लोर कर। ये काफ़ी पुराना चर्च है, इसका ये नाम है वेल्ला चर्च। मपसा से 1 किलोमीटर है, जिधर से मैं रहता हूँ, right. 1 किलोमीटर नज़दीक है और वेरी फोटोजेनिक। बहुत प्री वेडिंग शूट भी होता है इधर, प्री वेडिंग शूट। ये स्टेप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं नीचे से, उसकी वजह से ये फेमस है, राइट। एंड पर्रा से भी काफ़ी नज़दीक है ना, ये पर्रा से ऑलमोस्ट पर्रा से आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर राइट। तो ये बहुत सारे प्लेसेस ऐसे जो आपके वजह से देखने वाले, तो किसी को पता भी नहीं था, मतलब अगर कोई बाहर से आएगा या फिर मतलब उसको ढूंढना मुश्किल है। अंदर गोवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो हम फाइनली घर आ गए। ये सारी प्लेसेस जो आपने देखी बहुत ही खूबसूरत है, इन सारी प्लेसेस का लोकेशन मैं दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके जरूर देखिए। और ये ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू।